रेडी कहीं जाने के लिए? कृष्णा कहाँ जा रही है? आज शादी में जा रही है, चलेगा? चल तो बता मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, वहीं जाऊंगी जहाँ तू बता रहा। तो अभी मुझे जाना है किचन में और करनी है खाना बनाने की तैयारी। और कहाँ जाना है? बस काम निपटाओ और किचन में जाओ, खाना बनाओ, यही काम है हमारा। तो चलिए अभी किचन में चलती हूँ और अभी खाने में क्या बनाऊँगी मैं वो आपको मैं किचन में ही दिखाने वाली हूँ। चल कृष्णा तू भी चल रहा किचन में? तू यहाँ लेट पंखे में नहीं। तो चलिए चलते हैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ दोपहर के खाने में। तो आज मैं दोपहर के खाने में बनाऊंगी कढ़ी और उसके साथ चावल। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार करके रख लिया है क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा ज्यादा तामझाम करना पड़ता है और टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है कढ़ी बनाने में। तो यहाँ पर जो मुझे सामान चाहिए वो मैंने सारा तैयार करके रख लिया है और दूसरी साइड मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई तेल डालकर गर्म होने के लिए। अभी तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने गैस कम कर रखी है। और अभी बस पहले मैं पकोड़े बनाऊंगी और सारा सामान तैयार है तो पकोड़े बनाने के तुरंत बाद मैं कढ़ी छोक दूंगी तो कढ़ी मेरी हो जाएगी तैयार। और कई दिन हो गए कढ़ी चावल खाए भी नहीं है, कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा दही रखी हुई थी कि आज कढ़ी चावल बना लेते हैं। तो कढ़ी चावल वैसे सभी को अच्छे लगते होंगे गर्मी में, और किस किस को पसंद है कढ़ी चावल मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसे भी पसंद है आ जाइए, आज मैं सब लोगों के लिए कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पकोड़े बनाऊंगी छोटे छोटे से। तो हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही सिंपल कढ़ी में डालने के लिए सिंपल ये बेसन की पकौड़े बनाते हैं, उसमें ना तो प्याज डालते हैं और ना ही आलू। पहले से ऐसे ही बनाते आ रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, जैसी आदत है बनाने की वैसे ही बनाती हूँ। इसमें और कुछ नहीं डालती, बस सिंपल बेसन के पकोड़े बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ये पहले पकोड़े बनाऊंगी। इन्हें निकाल लेती हूँ और इसके बाद बस इसी कढ़ाई में कढ़ी छोंक दूंगी मैं। और तेल भी इतना ज्यादा नहीं है जो कि मुझे निकालना पड़ेगा, इतना तो चाहिएगा ये कढ़ी छोंकने के लिए। तो बस इसमें छोंक दूंगी, निकालूंगी भी नहीं इस तेल को। तैयार, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो मैंने बेसन का घोल बना कर रखा है ये। और इसमें मुझे अभी और कुछ सामान नहीं डालना, बस नमक नमक डालना है क्योंकि सारा सामान मैंने इसमें ही डाल दिया था, अच्छे से घोल लिया था इसमें डालकर। और बस अभी नमक डाल दूंगी तो मेरी कढ़ी छुककर हो गई है तैयार। और जब तक मेरी कढ़ी बनेगी मैं चावल साफ कर लूंगी, तो एक साइड पे मैं चावल बनने के लिए रख दूंगी और साथ के साथ कढ़ी भी बनती रहेगी। तो इसमें यहाँ पर नमक डाल देती हूँ।
और अभी कढ़ी में देखिए अच्छे से उबाल आ गया, अच्छे से पक गई है ये। अब मैं यहाँ पर इसमें पकोड़े डाल दूंगी। ये और बस इसे अभी थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। नीचे कौन बोल रहे थे? पता ना, सामान बेचने वाला था क्या भाई? हो गया कहाँ गए तेरे पापा? चले गए। हमारा खाना तैयार हो गया है, कढ़ी चावल पूरा। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। बिल्कुल आ जाओ। और यहाँ पर पी रहे हैं हम दोनों जो शाम के टाइम की चाय होती है वही, और थोड़ी सी बस इधर उधर की बातें हो जाती हैं चाय पीते टाइम। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। आप लोग बताते हो तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, और मैं क्या गलती करती हूँ अपनी वीडियो में ये भी ज़रूर बताया कीजिए कमेंट करके। वो गलती मैं अपनी सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पर हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसी जगह है, यहाँ पर अकेला कुछ भी कोई नहीं कर सकता, एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मिलजुल कर काम करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरे की वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी वीडियो को देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा कम आती है मेरी वीडियो पर, तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का इसका यहीं पर एंड कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो भी मेरे चैनल पर नया आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।